धीरे इस अवस्था से आपको बाहर आना है। आंखों को एकदम खोलना नहीं है, दोनों हाथों को रब करे, अपने आंखों पे लगाए, चेहरे पे लगाए। पुष्पिता जी झूम रही थी जी पुष्पिता जी कैसे लग रहा है? हाउ डू यू फील? घूम रहा है ना आप पूरा घूम रहा था, आपको आप झूम रही थी, ऐसा 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 पूरा आ गया था। एनीवे इससे क्या, इससे जितना आप शांत रह के उस चीज को करोगे उतना ही बॉडी की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये हमारी इनर पावर है, ये कोई और दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये हमारी इनर पावर, हमारी स्वयं की पावर है। यहाँ कोई बाहर की किसी की पावर की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही बहुत कुछ है, लेकिन हमको उस चीज के बारे में हम खुद अवगत नहीं है कि हमारे पास क्या है ना। तो स्वयं की ही शक्ति है, स्वयं की ही पावर होती है, ठीक है, उसी को हम यूज करते हैं। तो एनीवे, तो अभी आपको लेना है ग्लास, पहले ग्लास वाला कर देता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा होगा डीप में जा रहे थे आप पूरा डीप में जा रहे थे, बहुत बढ़िया। ये जितना हम स्वयं में खोते हैं वहां पे, तभी हमारी ऊर्जा का स्रोत जो है वो स्रोत से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जितना हम ज्यादा अंदर डूबेंगे उतना ही हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे ऊर्जा के जो भी चैनल्स है उस चैनल्स को हमें मदद मिलती है। मेडिटेशन एक अलग चीज है, मेडिटेशन के अंदर में स्वयं को, स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाना, ये एक अलग चीज है। खाली आंखें बंद करके बैठ गए उसको मेडिटेशन नहीं बोलते, या भाई मैं बैठ रहा हूँ बस, या फिर कोई कहता है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने फिर हरा रंग आता है, फिर पीला रंग आता है। सो द रंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना स्वयं को भूल चुके हो। मेडिटेशन का सही मायने में अगर हम उसका अर्थ निकाले तो वो होता है कि हम स्वयं को कितना भूल सकते हैं, इस भौतिक जगत को हम कितना भूल सकते हैं, इससे टोटली डिटैच हो जाना हमारी उस अवस्था में। और वो जब अवस्था बन जाती तो उस अवस्था में हमको जो चाहिए वो प्राप्त होता। अब जो चाहिए वो प्राप्त होता का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई लोगों की बारिश हो जाएगी या कहीं से कुछ आएगा। जो चाहिए वो का मतलब है हमारी ऐसी पावर बढ़ती है, विल पावर हमारी स्ट्रांग हो जाती है, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, वो इच्छा शक्ति हमारी स्ट्रांग हो जाती है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन उसका होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की जो चीज है जिसमें बड़े बड़े किताबें लिखी हुई है और लोग उसी को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से वो चीज नहीं होती है, वो करने से होती है। कोई भी चीज को जब करोगे तब होगा। साइंस भी कोई चीज को प्रयोग करता है तब होता है, खाली बोलता नहीं है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो साइंस पे कोई विश्वास नहीं रखता और साइंस खुद भी नहीं रखता। साइंस भी कुछ उस चीज को करता है, करता है, फिर उसका रिजल्ट आता है और वो बोलता है देखिए कि ये हमने इसको खोज के निकाला, ये हमने इसका इन्वेंशन किया, हमने इसकी खोज की है। तो उसी तरह हमको भी वही करना पड़ता है और तभी हमारे सारी चीजों को मैनिफेस्टेशन मिलता है। हम खाली सुनते रहते हैं, खाली सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड जो भी क्लासेस होते हैं उसमें वो बताते हैं आप ऐसा अफर्मेशन करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये अफर्मेशन बोलने से ऐसा हो जाता है, मनी को अट्रैक्शन करने के लिए रोज उठे बराबर ऐसा अफर्मेशन दो इससे ऐसा होता है। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा करने से नहीं होता है ना। मेरे जीवन में मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने से व्यक्ति खुश नहीं होता,
उसके अंदर में दर्द छुपा है, ये तो बाहर ही हो गया बताने के लिए कि मैं खुश हूं, है ना। या वो कहते हैं अफर्मेशन दो मनी के लिए, हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ चुका है, तो वो उससे नहीं आएगा। क्योंकि खाली बोलने से नहीं, बोलने के साथ साथ जब आपके अंतर मन में वो चीज रहेगी, आपके वैसे कनेक्शंस बनेंगे ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड ये जो ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहा जाता है, उस कॉस्मिक एनर्जी से जब आपका कनेक्शन बनेगा, तब कहीं जाके वो मैनिफेस्टेशन होगा उसका। उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। खाली बड़ी बड़ी किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ने से या मोटिवेशनल बातें सुनने से नहीं होता है। क्योंकि तो जो व्यक्ति मोटिवेशनल बातें दे रहा है, क्या उसने वो किया है या खाली उसने किताब लिखी है? तो इसलिए वास्तविकता में जियो, हर बार ऐसे चमत्कार में इसमें इसमें नहीं जाना है, खुद को करना है। खुद करेंगे तो जरूर होता है। और आज के युग में सब लोगों को हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल फास्ट चाहिए, 2 मिनट्स वाला काम चाहिए कि बस मैंने इधर किया उधर हो गया, इधर किया उधर हो गया। मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं, तो ऐसा जीवन में कहीं पर भी नहीं होता। साइंस भी जब कोई खोज करता है तो एक झटके में उसका होता है नहीं, बहुत बार वो फेल ही होता है। साइंस हमेशा फेल होता है, वो फेल होता है और फेल होने के बाद उस पर डटे रहता है और उसको खोज के निकालता है, फिर वो पास होता है। तो एक झटके में वो भी नहीं कर पाते, कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर पाता है ना, एक ही झटके में हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो हमारा भी एक झटके में नहीं होता, लेकिन हम प्रयास करते हैं और गलती कहाँ हुई उसको सुधारते। जब वो करेंगे तो हमारा भी होगा, जब उनका होता है हमारा भी होगा। ये भी एक साइंस है, ये आध्यात्मिक साइंस है, वो भौतिक साइंस है, बस इतना ही फर्क है उसमें, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी अच्छा लगा, और आप एक्चुअली आप डीप में जा रहे थे, सभी लोग दोनों भी आप डीप में थे, इसलिए मैंने आपको निकाल लिया बाहर और ज्यादा जाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वो ऊर्जा का जो भी जो मंत्र थे, उस मंत्र को इनिशिएट किया उसमें पानी में, क्योंकि तो पानी एक ऐसी चीज होती है जो कंडक्टर है। पानी हर चीज को वो वहन करता है। आप कुछ पानी में बोल दो तो वो शब्दों की जो ध्वनि है वह भी उसको एब्सॉर्ब कर लेते, इसलिए पानी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पानी क्यों यूज करना, तो पानी इसीलिए करना है कि पानी जो है वो कंडक्टर, ये साइंटिफिक प्रूव है। जो भी हम चीज उस पर बोलते हैं, पानी पे कुछ करते हैं, वो जो ध्वनि गिरती है, वो ध्वनि के हिसाब से पानी के जो पार्टिकल्स है पानी के अंदर में वो सारे चेंज होते हैं। अच्छा अगर हम अच्छी अच्छे अफर्मेशंस वाले डालते हैं तो अच्छा बनता है, अगर हम निगेटिव में डालते हैं उसको तो निगेटिव बनता है। फिर उसका परिणाम हमारे शरीर पे होता है, वो ऊर्जा है। ऊर्जा दिखाई देती नहीं है, कोई कहेगा कि हमें बताओ ऊर्जा कहाँ है, तो ऊर्जा दिखाई देती नहीं है। आपकी सांस कहाँ है, दिखाई दे रही है क्या? सांसें तो निकल रही है, जा रही है, ये सांस तो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो सही, ये ऊर्जा है। हमको खाली हमारी सांस दिखाई देती है, हमारे पति की माँ दिखाई देती है, वो सांस दिखती है ना। पति की माँ दिखती है ना, सासू माँ, वो सांस दिखती है, लेकिन ये सांस नहीं दिखती हमको है ना। तो वो दिखाई देने वाली सांस है, लेकिन हमारी जो ये सांस है, ये ऊर्जा है, ये दिखाई देने वाली नहीं है लेकिन है। तो इस तरह से ये ऊर्जा चलती है। और जब आप इस चीज को तो कुछ जैसे बाद में ये क्लास के बाद में जब आप इन चीजों का प्रयोग करोगे, जिस चीज के लिए करोगे उस चीज को आप मैनिफेस्ट करोगे, वहां पे आप उसको अट्रैक्ट करोगे, अपनी ऊर्जा के द्वारा करोगे। यहाँ कोई किसी की ऊर्जा नहीं है, अपनी स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं के लिए किया जाता है। और जब हमारा स्वयं का भला होता है तब हम दूसरों का भला करना सोचते हैं। पहले ही हमने हमारा भला भी नहीं किया, हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, हमने उसको गेन नहीं किया, हमने उसको अनुभव भी नहीं किया, और हम तुरंत दूसरों को प्रयोग करने जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि सर हम इसको सीखेंगे, हम तुरंत हम क्लास लेना शुरू कर दे। क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी तुरंत ये बिजनेस पर्पस से नहीं देखा जाना चाहिए इसको। तुरंत बिल्कुल करिए आप भाई, आपके पास अगर कोई विधा है, कोई कला है आपके पास में, तो आप उसका प्रयोग जरूर कीजिए। अगर उससे अर्थार्जन होता है, वो ही आपका अगर अर्थार्जन का माध्यम है, तो जरूर कीजिए।
करना चाहिए, इसमें कोई गुनाह तो है नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप अपने अर्थार्जन का अगर कोई मार्ग चुनते हो कि भाई मैं दूसरा कोई काम नहीं करता, मैं यही करता हूं, और वो आपका अर्थार्जन का मार्ग है, और जिससे आप लोगों को उन्हीं की ऊर्जा को अवगत कराते हो, उन्हीं की ऊर्जा को अवगत कराते हो, उन्हीं की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप उनको जैसे रेकी करते हैं, रेकी हो गया, बहुत सारे मॉडल्स है, लामा पेरा हो गया, बहुत सारे सारे ऊर्जा के स्रोतों को बुलाने के माध्यम है, ऊर्जा वहां से आती है। हाँ, वो किस तरह से कर रहे, क्या कर रहे, उसमें वो बहुत सारी चीजें मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी कर दिया तो हो गया, और जो कर रहा है या जो सिखा रहा है, क्या वो ये चीजों को करता है? मैं बार बार कहता हूँ, मैं बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, तो इसको मैं अपने जीवन में उतारता हूँ, डेली करता हूँ, इसके साथ साथ बहुत कुछ करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो यही मेरा सबको कहना है कि पहले स्वयं अगर आप करते हो कि अपने जीवन में, तो लोगों को बताओ, वरना मत बताओ, वरना खाली क्लास लेना है, पैसे कमाना है, अपना घर चलाना है और लोगों को मूर्ख बनाना है, तो ये पता ही मत करो। इसमें भी परमात्मा देख, क्योंकि हम आध्यात्मिक में जुड़ रहे हैं, हम आध्यात्मिक तौर पर जुड़ रहे हैं, हम भौतिक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं। और अगर आध्यात्म में जाना है तो स्वयं को उतनी प्योरिटी लाना जरूरी है, अगर हम में प्योरिटी नहीं है तब क्या लोगों को प्योरिटी देगी? तो पहले आप इसको अच्छे ढंग से रटिए, क्योंकि आपका उस दिन का जो क्वेश्चन था ना कि समस्याओं पे कैसा ये करना है, बिल्कुल कर सकते हो आप। अपनी समस्या को हमें ही छुड़ाना होता है, अपनी समस्या हम खुद ही छुड़ा सकते हैं। हीलिंग का एक बहुत जबरदस्त नियम ऐसा है, मैंने शायद बताया भी होगा आपको, हीलिंग में क्या है, भावना ज्यादा काम करती है, हमारी भावनाएं काम करती है, भावनाओं के हिसाब से हमारे तरंगे निकलती है। अब जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा दिखाई देती नहीं तो तरंगे आपको दिखाई देगी नहीं, हाँ, लेकिन अगर कोई यंत्र है जिससे नापा जा सकता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकल रही है, तो उसमें जरूर वो दिखेगी, लेकिन ऊर्जा दिखेगी नहीं, एक तरंगे की, एक जैसे कि हमारे जो अल्फा वेव्स है वो भी तरंगे है, हमारे विचार ही है वहां पे कितने शांत है, कितने ज्यादा चल रहे हैं, उसको नापने का तरीका इजी है, दिमाग को लगाते हैं उसमें दिखता है, लेकिन तरंगों की एक खाली ग्राफ के माध्यम से दिखता है, तरंगे दिखाई नहीं देती, ऐसी ये ऐसी जा रही है, उसका कलर ये है, इस तरह से दौड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है, वो ईईजी के माध्यम से दिखता है। जैसा भूकंप होता है तो भूकंप का कोई जो नापते हैं तो कोई उनको दिखाई थोड़ी देता है, वहां पर भी जैसा हम ईसीजी निकालते हैं उसी तरह से होता है, जैसे वो कंपन होगा वैसी वो स्केल चलेगी, फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इतना इसकी तीव्रता इतनी थी, तो उस ऊर्जा को भी वो देख नहीं पाया अभी तक, कोई नहीं देख पाया। ऊर्जा दिखाई नहीं देती, ऊर्जा महसूस होती है, इसको आप बिल्कुल मन में गांठ बांध लो। कोई भी आप, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी क्लास आप कीजिएगा और कुछ भी उसमें उठ पटांग अगर कुछ भी बताते हैं और बड़ी बड़ी बातें बता दिया कि इससे आप फलाना कर सकते हो, आप इससे ये कर सकते हो, आप बादल को हटा सकते हो, हवा को बुला सकते हो, तो ये चीजें वास्तविक रूप में संभव नहीं है और संभव भी है। अब संभव कैसी है, तो संभव ऐसी है कि हम हमारे अंतर्मन से, हमारी ऊर्जा से, हमारी भावनाओं से हम उस चीज को करते, लेकिन उसको महसूस हम स्वयं ही करेंगे, उसको महसूस दूसरा नहीं करेगा, तो हम स्वयं को कुछ भी महसूस करा सकते हैं, जैसा चाहो वैसा, और जब हम अच्छा महसूस करेंगे, जो भी हम चाहते हैं, उसका परिणाम हमारे शरीर पे होगा, हमारे आभा मंडल पे होगा, और जैसे ही आभा मंडल पे होगा, इस आभा मंडल में जो हमारी पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी जो ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो सकारात्मक तौर को खींचे, उसी तरह से जो मनी एनर्जी जो कहते हैं, हर चीज की वस्तु की एक एनर्जी होती है, इस वक्त में आप बैठे हो, कैमरा है आपके सामने, उस कैमरे की भी एक एनर्जी है, हर डिवाइस की एक एनर्जी होती है, पेड़ पेड़ पौधों में एनर्जी होती है, साइंस भी मानता है कि हर चीज में एनर्जी होती है, अपना उसका एक एनर्जी होती है ना, तो हम उस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और जब दो सिमिलर एनर्जी मिल जाती है तब वो अट्रैक्ट हो जाती है, एक व्यक्ति के पास पक्की पक्की हो जाती है, उसी तरह से मनी एनर्जी जो है, उस मनी एनर्जी को हम अगर मनी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम स्वयं को, वो हिसाब से तो एनर्जी को एनर्जी मिलती है,
और अट्रैक्शन बढ़ता है तो पैसा आता है। पैसा आता है मतलब वैसे चल के नहीं आता, मेहनत जरूर करनी पड़ती है। खाली इतना है कि जो मेहनत हम कर रहे थे उसका हमें कोई फल नहीं मिल रहा था, या मेहनत बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ बच नहीं रहा, आ नहीं रहा, वो चीज यहाँ पे कम हो जाती है। क्यों? हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारा मतलब बढ़ जाता है, तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हमारा व्यवहार में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण सामने वाला भी अट्रैक्ट होता है और जो चीजें ना बन रही थी वो चीजें बनना शुरू हो जाती है। ये इसका साइंस है, आध्यात्मिक साइंस इस प्रकार से है। लेकिन इसको बहुत जगह कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा प्रेजेंट कर दिया और कुछ चमत्कारी जादुई ऐसा बताने की कोशिश की, ऐसा नहीं। वास्तविकता में जियोगे आगे बढ़ोगे, भ्रामकता में रहोगे तो भटकते रहोगे। और फिर कोई भी आएगा, कोई भी बाबा बनेगा, कोई भी कुछ करेगा, कोई भी छू बोले देगा, छू बोल देगा कि अच्छा हो गया, और हम उसी में गिरे रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं को पहचानो पहले, और स्वयं स्वयं ही अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने आभा मंडल को बनाओ, अपने आप आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। ये इसका मूल मंत्र है ना। और जितने भी समस्या है बाकी की वो मैं उस पर आपकी चर्चा करूंगा ही, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से होता है हीलिंग, क्या चीज है हीलिंग। एक पॉजिटिविटी है, हर व्यक्ति के पास एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा अपनी ऊर्जा हम दूसरे को महसूस भी करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक साइंस काम करता है और यहाँ पे कुछ भौतिक साइंस भी काम करता है, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मेस्मरिज्म जो है उसमें भौतिक साइंस भी काम करता है और आध्यात्मिक करता है। पहले आध्यात्मिक करता है क्योंकि हम पहले स्वयं को ढाल लेते हैं उस तरह से, ठीक है, फिर सामने वाले को उस तरह से ढालते हैं, फिर हमारे जो सोच है, हमारा जो इसको ये बोलते हैं, हमारे जो भावना है उस भावना को हम स्ट्रांग बनाते हैं, और उस भावनाओं से सामने वाले की भावनाओं से मिलाने की कोशिश करते हैं। वो हो गया आध्यात्मिक, वहां पे आध्यात्मिक होता है। उसके दिमाग की तरंगे, हमारे दिमाग की तरंगे, इनको मैचअप करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जो सोचते हैं, हम जो थॉट्स डालते हैं, वो थॉट्स उसके दिमाग में जाते हैं, उसके तरंगों से मिलते हैं। इसमें इस सब प्रोसेस में समय भी लगता है। जब वो एक हो जाए फिर उसको पासिस दिया जाता है, और जब पासिस दिए जाते हैं वो भौतिक साइंस का काम करते हैं। वहां पे जो हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्व है वहां पर वो काम होता है, लेकिन हमारी ऊर्जा से ही होता है, क्योंकि ऊर्जा से महसूस, उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा जब मिलती है तब उसे महसूस होना शुरू हो जाता है और उसको ट्रांस भी आना शुरू हो जाता है। ये साइंस है, लेकिन इसको चमत्कारिक तौर पर पेश किया गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है? और इसका बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए। जी जुमा जी, सुन रही है आप? कुछ समझ में आया या बस मैं बोल रहा हूं? नहीं, हाँ ये हाँ अंदर की बात है, ये अंदर जी, अंदर की बात है। और जिसको ये समझ में आया वो ही ये क्लास सही मायने में कर सकता है, वरना वो भटकेगा, ऐसी ही क्लासेस करेगा कुछ, और वहां पे वो कुछ मीठा 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 सारी मिठाई मिठाई बता देगा, तो उसमें क्या होगा, हम उसी में खो जाते हैं। क्योंकि हमारा मन कैसा है, अगर मैं आपको कुछ अच्छी चीज बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, तुरंत मैं अगर आपका बुरी चीज भी बता दूं आपके बारे में कि नहीं आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा अच्छा? यानी जब व्यक्ति को उसके बारे में अच्छा बताया जाए तो उसको अच्छा लगता, थोड़ा बुरा बता दो तो उसको उसको सुनने की वो क्षमता नहीं रहती, वो लगता है नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं, यानी वो बुरे कोई चीज है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता हो उसके बारे में, उसको अच्छा अच्छा बोलो तो अच्छा लगता है ना? तो ये चीज का फायदा बहुत जगह उठाया जाता है कि हमेशा सारा अच्छा अच्छा ही बोलते हो, लेकिन उसके जैसे मेरिट्स होते हैं उसके डिमेरिट्स भी होते हैं, दोनों को अगर हम संतुलित रखे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, खाली मेरिट्स को देखते हैं, तो भाई मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स भी तो है। आप मुझे बताओ, मान दो एक कि मनी एनर्जी को अट्रैक्शन पावर है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है मान लो, और अट्रैक्शन पावर हम बोलेंगे कि भाई मनी एनर्जी आ जाओ आगच्छ,
अक्षय कर देंगे उसको, ठीक है। अब आपके पास पैसा आ गया, आपको पैसा आने से मतलब था, आपके घर में बहुत पैसा आ गया, पैसे ना कैसे इधर से उधर से आ गया, बहुत आ गया, और बाद में पता चला कि साथ में पुलिस भी आ गई, तो अब कैसा लगेगा आपको? तो भाई पैसा आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे आ रहा है ये भी तो मायने रखता है। क्या वो सुरक्षित मार्ग से आ रहा है? वो अगर सुरक्षित मार्ग से आता है, देन ओके, मनी एनर्जी वहां पे काम करती है, सुरक्षित मार्ग के लिए भी काम करती है। हम अफर्मेशंस कैसे दे रहे हैं? खाली पैसा आ जाओ, पैसा आ जाओ, आ जाएगा पैसा। लेकिन अगर वो सुरक्षित मार्ग से आया तो आपके लिए ठीक है, और अगर वो सुरक्षित मार्ग से नहीं है, बहुत ही आड़ा किसी भी मार्ग से आया, तो साथ में भी पुलिस भी आएगी। तो यानी मेरिट्स थे हमारे पैसा आने का, तो डिमेरिट्स भी हो गया वहां पर, है ना। तो इसलिए वो भी अफर्मेशन हमें कैसे देना है वो भी मायने रखते हैं। अब ये तो सिखाया ही नहीं जाता, ये भी सिखाना पड़ता है। इसीलिए बोला कि क्लासेस जो होते हैं, क्लासेस में खाली क्लासेस नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी उनके जीवन में परिवर्तन हो। परिवर्तन स्वयं को ही लाना पड़ता है, परिवर्तन कोई नहीं लाता, परिवर्तन स्वयं को लाना पड़ता है। क्योंकि स्वयं को आप ढालोगे अच्छा तो भी होगा। मान लो आप फैट हो, मान लो आप फैट हो, बहुत मोटे हो, अब मैं आपको मोटिवेशन करूं, या मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, या मैं कुछ चीजें करूं आप पर, किसी प्रकार के एक्सरसाइज में आपसे करने के लिए कहूं, ठीक है, या फिर मैं अपनी ऊर्जा का प्रयोग करूं, चलो मैं ऊर्जा का प्रयोग करता हूं, ऐसा हो जाए, ऐसे से क्या ये चीज संभव होगी? नहीं होगी। क्योंकि मोटे आप हो, तो उस शरीर को कम करने के लिए आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है स्वयं को करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा धन है, आपने कहा कि ये लीजिए सर, हम आपको इतना सारा पैसा दे देते हैं, ये लीजिए 1 करोड़ लो, 2 लो, 5 लो, जितने भी देना है उतना लो, लेकिन आप हमको कम कर दो, और लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली बैठूंगा, खाऊंगा, बढ़िया, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लगे तो पैसा ले लो और मुझे कम कर दो। अब ये मुझे कहो, किसी डॉक्टर को कहो, या और किसी को कहो, नहीं होगा, वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा आपका, करोड़ों अरबों रुपए। डॉक्टर यही कहेगा कि भाई तू कम से कम यहाँ पे चल, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज चला कर, जितना चल सकता है उतना चल, मेहनत कर, थका शरीर को, खाने पे कंट्रोल कर, कुछ दूसरी दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है तुझे, वैसे ही तू कम हो जाएगा। और नहीं कुछ हुआ तो उसके दिमाग में कोई टेंशन दे दो उसको, और टेंशन से परेशान हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो पैसा वहां पे हर जगह पैसा काम नहीं करता, हर जगह पैसा नहीं करता। बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं, करोड़ों अरबों खरबों के उनके पास संपत्ति है, लेकिन वो अपने शरीर को नहीं सुधार पाए। क्यों? पैसा काम नहीं करता, उसके लिए स्वयं को ही करना पड़ता है। पैसा एक अलग रहता है, और स्वयं को जो करना है वहां पे स्वयं को ही करना पड़ता है। उसे कोई किसी का मंत्र काम नहीं करेगा, ना किसी का दवाई काम करेगी, कुछ भी काम नहीं होगा, ना दुआ काम करेगी, ना दवा काम करेगी, वहां पे स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए दुनिया में स्वयं जब करोगे तभी होगा ना। बच्चा भी रोता है तो उसको दूध पीने के लिए रोता है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है कि माँ ने बच्चे को लिया और दूध पिला दिया, कुछ काम धंधा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आगे बच्चा खेल रहा है, फिर भी जबरदस्ती उठाया उसको, नहीं तो दूध पिला है, ऐसा कभी नहीं करती माँ। वो जब रोएगा, उसको भूख लगी है, वो रोएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, तब कहीं जाके उनको लगता है इसको भूख लगी है, तब आके वो उसको माँ उसको दूध देती है। यानी बच्चा भी मेहनत करता है, रोने की मेहनत करता है, रोना ही पड़ता है उसको, वरना कोई लाके नहीं देगा उसको। तो उसी तरह से हमारा ये भी एनर्जी जो है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का भी इसी तरह से होता है। इसीलिए भ्रामकता में कहीं पे जाइए मत, वास्तविकता में जाइए, जो भी चीजें है वो वास्तविकता में करिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो अभी तक के आपने क्लासेस किए हैं उसका आकलन अपने इस क्लास से आपको समझ में आएगा। उसको जब आप आकलन करोगे और कंपैरिजन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कौन सी चीजों को भ्रामकता में लिया और कौन सी चीज को वास्तविकता में लिया। तो ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है जुमा जी।
तो ये हिसाब से आपको करना है और एक अच्छा हीलर बनना है आपको। जितनी बातें मैंने बताई है पहले भी क्लास में और आखिरी में भी बताऊंगा, उन सबको फॉलो करो, तब आप आगे बढ़ोगे, तभी एक सफल हीलर आप बन पाते। इन क्वालिटीज होना, ये क्वालिटीज जितनी मैं बता रहा हूं, ये सारी क्वालिटीज होना चाहिए। खाली फास्ट फूड की तरह नहीं होना चाहिए, कोई भी हीलिंग फास्ट फूड की तरह काम नहीं करता है, वो धीरे करता है लेकिन सटीक करता है। छोटी छोटी चीजों में वो जल्दी कर लेता है और बड़ी बड़ी चीजों में वो स्लोली करता है। ये एक प्रकार से हैमर की तरह काम करता है, एक ही जगह पे अगर आप हथौड़ा मारते रहो तो कितना भी मजबूत रहे वो उसको टूटना ही है, टूटना ही है उसको। उसी तरह से हीलिंग का भी होता है, जब आप ऊर्जा को छोड़ते हो छोड़ते हो छोड़ते हो छोड़ते हो, तो हर चीज को काटते काटते हो जाता है। और आध्यात्मिक बहुत बड़ा है, फिर वहां पे कर्माज वगैरह ये बहुत सारी चीजें आती है, वो एक अलग पार्ट है। तो घुसना है उसमें तो फिर पूरी चीजें होना चाहिए, और ऊपरी ऊपरी जो होते हैं फिर वो उसको नकारते हैं।